Now you also have Ashok Chavan of the Congress Party, who has said that he will wait until the last minute for Prakash Ambedkar. Now, that is a big development happening right now, viewers, because Prakash Ambedkar, in a big snub, not once but on two occasions to the Congress Party, said that they will not be going forward with the Gathbandhan, with the Congress Party in Maharashtra. There were certain seats Prakash Ambedkar has been demanding from the Congress Party, but not getting a response at the appropriate time. You had a Prakash Ambedkar, who soon will be announcing the candidates also from his party, which he has on a few number of seats. But for now, this is a double snub. That is for the Congress Party. But you have the Congress Party, which is still looking out for a Gathbandhan with Prakash Ambedkar. Dinesh is khabar pe bhi hamare saath jude hue hai. Dinesh, agar hum Prakash Ambedkar ke bare mein baat kare to ek baar nahi do baar unhone Congress Party ko mana kar diya, lekin Congress Party abhi bhi umeed lagaye baithi hai ki Prakash Ambedkar ki party unke saath Gathbandhan mein judegi. जी देखिए, बिल्कुल लगातार इस तरह के रिक्वेस्ट करने के पीछे मकसद यही है कि कांग्रेस जानती है कि अगर प्रकाश अंबेडकर अलग होते हैं तो उनके साथ जो बड़े पैमाने पे पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने जय भीम जय मीम दलित और मुस्लिम वोट बैंक का जो ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो बड़े पैमाने पर जो है अहम साबित होगा चुनाव के दौरान. पहले ही सेना बीजेपी साथ आ गया, तो अब ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल होगा कई सीटों पर चुनाव जीतना. और ऐसे में प्रकाश अंबेडकर, जिनके पास इतना स्ट्रांग होल्ड है दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर, तो अगर प्रकाश अंबेडकर साथ नहीं आते तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसका डिवीजन होगा कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के बीच में, उसका बंटवारा होगा. तो इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी और सेना के गठबंधन को हो सकता है. और यही वजह है कि लगातार प्रकाश अंबेडकर द्वारा मना करने के बावजूद भी कांग्रेस अब भी उम्मीद लगा के रखे हुए कि वो आखिरी समय तक इंतजार करेगी प्रकाश अंबेडकर का. अब देखना यह है कि आज की बैठक में क्या नए सिरे से प्रकाश अंबेडकर की जो डिमांड थी कई सारे सीटों की, क्या उसको लेकर किस तरह कोई मंथन होता है या फिर नहीं, ये देखना अहम होगा. लेकिन अब ज्यादा प्रकाश अंबेडकर से दो बार साफ कर दिया गया कि वो नहीं जाएंगे. आज की बैठक में कांग्रेस में क्या निकलता है ये देखना अहम होगा. क्या कोई फ्रेश प्रपोजल जो है वो प्रकाश अंबेडकर के पास भेजा जाएगा या फिर उनकी ना कोई हां मानकर आप कांग्रेस अकेले दम पर आगे बढ़ने का विचार करेंगे. बैक टू यू. प्रकाश अंबेडकर दरवाजा खुला रखेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? इज ही ओपन फॉर टॉक्स और नॉट? आप बने रहिए हमारे साथ. एक बार हम अशोक चवन का भी रिएक्शन सुना देते हैं दर्शकों को, क्योंकि वो अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं प्रकाश अंबेडकर से कि वो साथ आए कांग्रेस पार्टी के, गठबंधन बनाए कांग्रेस पार्टी के साथ. एक बार सुन लेते हैं. उन्होंने कहा है, उन्होंने ही कहा है कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो वो नहीं करना चाहते. इसका मतलब तो साफ है. हमारी तरफ से हमने कहा कि हम भी अभी भी तैयार हैं, आखिरी दिन तक हम तैयार हैं. उनकी तरफ से जवाब आया है, तो अब वो उसके उत्तराधिकारी वो है कि वो क्लैरिटी उसमें लाए कि क्या करना चाहते हैं.